रानी हमारे बीच में आ गई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके सम्मान में, उनके अभिवादन में एक जोरदार नारा बुलंद करें श्रीमती किरण चौधरी। श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद। किरण चौधरी संघर्ष करो, किरण चौधरी संघर्ष करो, जन जन के नेता किरण चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद बुलंद आवाज किरण चौधरी, भावी मुख्यमंत्री किरण चौधरी। चौधरी जैसी नेता बुलंद आवाज आज तक हरियाणा प्रदेश में नहीं आई है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब वो आए और हरियाणा की बागडोर संभाले और गरीबों की, शोषितों की, उत्पीड़ितों की, पिछड़ों की, अनुसूचित जातियों की व्यथा को सुने और उनके समाधान ढूंढे। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, आप बैठे और आगे हम कार्रवाई का संचालन करें। ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है, क्योंकि प्रदेश भर में अनुसूचित जातियों की, खटीक समाज की, पिछड़े वर्ग की बुलंद आवाज श्रीमती किरण चौधरी हमारे बीच में है। अपनी गर्जना भरी हुंकार से अपने विरोधियों के दिल दिमाग को कंपायमान कर देने वाली जन नेता श्रीमती किरण चौधरी हमारे बीच मौजूद है। जन की नेता अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, श्रवण वर्ग, सभी तबकों की बुलंद आवाज श्रीमती किरण चौधरी जी को पगड़ी पहना रहे हैं। श्री नंद किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र सिंह जी का एक कहना था हमेशा कि जहाँ गरीब है वहाँ भगवान का वास है। तो चाहे कोई भी ये हमारा जो पिछड़ा वर्ग हो, हमारा जो दलित समाज है, SC ST समाज है, उसके अंदर खटीक समाज है, आप लोगों ने हमेशा बहुत मान सम्मान और प्यार दिया है मुझे और श्रुति को, चौधरी बंसीलाल जी को मेरे से पहले, और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, उसका तहे दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये समाज जो है इसने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और आज आपने देखा किस तरह से ये मौजूदा जो सरकार है, हालात किस तरह से हो गए हैं कि गरीब आदमी जो है उसका जीना जो है पूरी तरह से दुर्भर हो गया है। और ख़ास तौर से ये सरकार जब से ये परिवार पहचान पत्र लेकर आई, प्रॉपर्टी ID इन्होंने जो बनाई है, और ये जो सारा ये पोर्टल के ज़रिए जो काम कर रहे हैं, इसमें अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा हमारा पिछड़ा जो हमारा गरीब वर्ग है, हमारा जो SC वर्ग है, चाहे खटीक वर्ग हो या और जो पूरा अम्ब्रेला का जो वर्ग हो है SC का, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है। क्योंकि अपने आप ही जो है पोर्टल ने उठा लिया, किसी के 4 लाख, किसी के 5 लाख आमदनी बना दी है, और वो आमदनी जो है बनाने के बाद जो आपको कांग्रेस के समय पर सहूलियत मिलती थी, राशन की मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी आपको गैस के ऊपर, आपको घरों के बनाने के लिए सबसे ये जो है मिला करते थे, आपके जो है पीले और हरे कार्ड जो हैं, वो लाल कार्ड वो आपके जो होते थे ताकि आपको सारा कुछ अच्छी तरह से आपको सहूलियत मिले, ये सारा का सारा जो है सत्यानाश जो हुआ है वो आज इसके कारण हुआ है। नतीजा आज ये है कि जो गरीब आदमी है वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। सच्चाई है या नहीं है? कहाँ पे पोर्टल है, कहाँ पे उसको अपलोड करो, कहाँ घूमते फिरो, एक थैला लेके परिवार का एक आदमी तो कागज ले लेके इधर से उधर, उधर से इधर से उधर जो है घूमता फिर रहा है। नतीजा ये है महंगाई इतनी चरम सीमा पे आ गई। कांग्रेस के समय पर जब हमारा सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वही
सिलेंडर जो है वो 1150 रुपए का हो गया है। हर एक परिवार के अंदर जो है 5-5, 6-6 आदमी तो होते हैं, तो एक गैस सिलेंडर एक पूरा महीने नहीं सकता। अब महंगाई इतनी है, चाहे ये जो है पेट्रोल बढ़ गया हो, पेट्रोल बढ़ने से, पेट्रोल डीजल बढ़ने से सब कुछ महंगा हो गया है। सब्सिडी कहीं रही नहीं है, राशन मिलता नहीं है, साथ ही साथ आपका जो है पीले कार्ड जो हैं और जो दूसरे कार्ड हैं बीपीएल कार्ड वो सारे कट गए हैं, तो गरीब आदमी जाए कहाँ? सच्चाई है या नहीं? नौकरी है नहीं कहीं, लारे लप्पे दिए जाते हैं, मंचों में खड़े होके कहा जाता है कि 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियों की जब बात आती है सी ग्रुप डी ग्रुप की, तो बेचारे बच्चे जो पीएचडी एमए एमफिल कर रहे हैं वो सी ग्रुप डी ग्रुप की नौकरी ले रहे हैं, तो हम देश को किधर लेकर जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था वो सपना पूरा हो रहा है क्या इस तरह से? तो कहीं आसपास भी नहीं, लेकिन सत्य यहाँ है कि हमारा समाज जो है ये बहुत ही भोला समाज है। गरीब लोग हैं तो जल्दी से भोलेपन के अंदर बह जाते हैं कई बार। अब सोच के चलो आप लोग कि आपने अगर आगे बढ़ना है तो केवल एक ही जरिया है, और वो जरिया है कि आप सही आदमी को आगे बढ़ाओ। अगर सही आदमी आगे बढ़ेगा तो आपका कोई फायदा होगा, नहीं तो जहाँ हो जैसे के तैसे वहीं के वहीं रह जाओ। चुनाव आते हैं, चुनाव के समय 100 तरीके की बात आती है। कई लोग कहते हैं प्रलोभन देते हैं पैसे का, कई प्रलोभन देते हैं कुछ और, कुछ वस्तु का या किसी और चीज़ का, या कोई जात पात की बात करी जाती है। इन सारी चीज़ों से अलग रहो, वोट की जो ताकत है आपकी वो उसको पहचानो। ये आपकी वोट की ताकत जो है इस देश के अंदर बड़े से बड़ा नेता बना सकती है, और ये वोट की जो चोट है उस नेता को उसके बांस घर से जो है उठा के नीचे गिरा सकती है। इसलिए संगठित होकर काम करो, संगठित होकर काम करोगे जो तुम्हारा भला कर सकता है, जो इलाके का भला कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है इलाके को, उसका साथ दोगे तो भाई आगे कुछ फायदा होगा। अब ये जिस तरह की ये जो लेकर आए हैं, आपको मैं बोलना बताना चाहती हूँ, ये जो फैमिली आईडी और ये प्रॉपर्टी आईडी ये सारा कुछ लेके आए हैं, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले ख़त्म करेंगे भाई ये काम। इस तरह से जो हालात इन्होंने कर दिए आज, इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। अभी मैं एक मोहल्ले बगल में, एक कौन सा मोहल्ला था जहाँ गए थे अभी, हाँ वहाँ पर मोहल्ले में गई, वहाँ पे लोगों ने मुझे दिखाया, रविदास मोहल्ला, हाँ वो खरे बता रहा है, रविदास मोहल्ले में इसने चाय करवाई थी, वहाँ पर बताया कि बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिलों के अंदर नॉन एनर्जी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? महिलाओं को तो पता नहीं, पता है या नहीं पता, नॉन एनर्जी चार्ज लगा रहे हैं, मतलब जो आपने बिजली इस्तेमाल नहीं करी, जो पंखा इस्तेमाल नहीं करा, जो लट्टू आपने चसाया नहीं, जो आपके बिलोना वाली मशीन आपने चलाई नहीं, उसके बावजूद आपको नॉन एनर्जी चार्ज मतलब 1000-2000 रुपए हर एक बिल के ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो ये सरेआम लूट है या नहीं है? जेब तो खाली कर दी, नौकरी है नहीं, महंगाई इतनी हो गई, और ऊपर से सरकार जो है वो लूटती जा रही, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सही नुमाइंदे नहीं है आपके, आपकी आवाज उठाने के लिए। विधानसभा के अंदर आपकी आवाज बहुत बुलंदियों के साथ मैं उठाती हूँ। ये सारी की सारी बातें जो हैं, जो ये सोशल मीडिया के जरिए आप लोग देखिएगा किस तरह से ये बातें उठाते हैं। आज श्रुति चौधरी जो है 10 साल पहले यहाँ से MP बन के निकली थी, आप लोगों ने श्रुति चौधरी को वोट दी, वो MP बन के निकली। MP का क्या काम होता है?
एमपी का काम होता है कि बड़े कानून बनाए, बड़े बड़े काम करें। श्रुति चौधरी एमपी होते होने के नाते हजारों हजार दो हजार करोड़ रुपया जो है वो लेकर आई केंद्र सरकार से, जिसके जरिए आपका पूरा भिवानी के अंदर पानी का काम किया गया, कराया नहीं करा गया, पूरा का पूरा आपका सीवर का काम किया गया। आपका सीवर जो है आज के दिन गंदा पानी आप पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, सीवर का पानी आप पी रहे हो, सीवर तक नहीं आपके जो है सफाई होती। श्रुति चौधरी के टाइम पर किसी भी कर्मचारी की वो कहते हैं हिम्मत नहीं होती थी कि वो काम ना करे, और ये बोलते हैं हमारी चालती खोड़ी डबल इंजन की सरकार, उधर भी इंजन और इधर भी इंजन, और तब हमारा बुरा हाल हो रहा है भाई। डबल इंजन तो इसी डबल इंजन की सरकार चाहिए क्या तुम्हें आगे? पक्के अपना वो बांध लिया, गांठ बांध लो अपनी साड़ियों के पल्लू के और तुम अपने कुर्तों के, ईद के लिए गलती ना करियो। श्रुति चौधरी जब बनी थी सीवर पानी का तो काम करवाया करवाया, उसके अलावा चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी उसने दिलवाई, किसके लिए दिलवाई? ताकि हमारे भिवानी के बच्चे उसमें पढ़ सकें। मेडिकल कॉलेज श्रुति चौधरी ने बनवाया, किसके लिए बनवाया? श्रुति चौधरी ने तो उसमें पढ़ना नहीं था, मैंने तो पढ़ना नहीं, हमारे बच्चे ताकि उसके अंदर पढ़ लिख के आगे हमारे बच्चे पढ़ें। कॉलेजेस बनवाए, पार्क बनवाए, स्कूल बनवाए, ये सारा काम क्यों करा? इसलिए करा कि इलाके की जनता को उसका फायदा हो। लेकिन जनता ने क्या करा, एक बारी हरा दी और फिर दोबारा से हरा दी, और तब हराई जब जो जो चुनाव उसके सामने लड़ रहा था वो कहता है मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी वोट डाल दी भाई, वोट डाली नहीं डाली, तब तो ये हो रहा हर हर मोदी घर घर मोदी। तो भाई जो भी ये सारा थर गैल सौदा हो रहा है तो जाओ ना दे के आओ ना उससे, सच्ची बात कहूँ या नहीं? तो ये गांठ बांध लो भाई, आगे ना होने दियो। ये जो आदमी काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसको बढ़ावा दोगे तो आगे खुद बढ़ोगे, उसको मजबूती दोगे अपने आदमी को तो मजबूती आगे आपको देगा वो, सीधी सी बात है। चौधरी बंसीलाल जी का घर है भिवानी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का घर है भिवानी, और हमारा भी घर है, मेरा और श्रुति का। आज वो दोनों नहीं रहे लेकिन उन्हीं के संकल्प के ऊपर हम चल रहे हैं, उन्हीं का काम आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। तो मजबूती अगर आप लोग दोगे तो भाई चुटकार के द्वारा काम और आगे कूद कूद के हम कर देंगे, और नहीं देंगे तो भाई फिर आराम से घर में बैठेंगे भाई, और क्या करें, सच्ची बात है या नहीं? तो इसी तरह से समाज के अंदर भी जो अच्छे बच्चे हैं आपके उनको आगे बढ़ाओ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा समीर का बेबाक बोलता ही है तो मेरी तरह, डरने की कोई बात नहीं, ना मैं डरूं भाई, किस बात का डर? किसी के किसी से कुछ लेके खाया थोड़ा है, किसी का गलत काम नहीं करा तो किस बात का डरना? डरे वो जिसने उल्टे पुल्टे काम कर रखे हो। तो अच्छे लोगों को आगे लेकर आओ। मांग पत्र आपने मेरे को लंबा चौड़ा दिया है, आज हमारी सरकार नहीं, लेकिन सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे जो आपका हक है, आपकी हक की आवाज़ मैं ज़रूर उठाऊंगी, इसकी फिक्र ना। और आपको एक बात मैं बता दूँ, ज़िंदगी में मैंने ज़बान दी नहीं है, अगर मैं ज़बान देती हूँ तो मेरे को चाहे उल्टा लटकना पड़े मैं वो काम करती हूँ, ये याद रखना। झूठी बात नहीं बोलती मैं, राम का नाम लेकर अपना कर्म करती हूँ भाई, समझ रहे हो? तो ये जो है गुरु चरणों में आपके गुरु जी का मुझे बता रहे थे, हमारे राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं गुरुदेव महाराज, तो गुरु का तो स्थान बहुत ऊंचा होता है भाई। गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे लहूं पाए, बलिहारी गुरुदेव पे जिसने गोविंद दियो दिखाए, है ना, जिसने राम का नाम दिखा दिया, भगवान का रास्ता दिखा दिया, उससे बढ़कर भगवान भी ऐसा जो जो है अपने ऐसे शिष्य को जो है वो उसको कभी मना नहीं कर सकता। सो गुरु जी के आशीर्वाद है,
और सारे हमारी तो संस्कृति ये कहती है कि हमारी भूमि जो है ये गुरुओं की है, देवों की है, पुण्य भूमि हमारी है, यहाँ पर पाठ पूजा इतना होता है। तो ये जो है अब आने वाले समय में ध्यान देकर इस चीज को गांठ बांधकर कि प्रजातंत्र के अंदर जो हक आपको दिलवाया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उस हक का दुरुपयोग नहीं होने देना, समझ रहे हो? उस हक का, जो हक आपको दिया कि आप अपने हक से चुनो कौन आपका नुमाइंदा होगा, वो हक अगर आपने किसी के हाथों किसी भी तरह से कोई लालच में या प्रलोभन में अगर दे दिया तो उससे ज्यादा बुरा और मैं कहता हूं उससे बड़ा पापी नहीं हो सकता कुछ। जिंदगी में एक बात याद रखना, चौधरी बंसीलाल जी, हमारा घर एक ऐसा घर है जहां ये जात पात की गंदी बू कहीं नहीं है। बंसीलाल जी एक बात कहा करते थे और मैं तो उसकी अनुयायी हूँ, श्रुति चौधरी भी है, कि आदमी छोटा जात से नहीं होता, आदमी छोटा उसकी सोच से होता है, समझ रहे हो? जिसकी सोच घटिया है वो घटिया आदमी, जात से कभी कोई ऊंचा नीचा हुआ है क्या? ये तो सब बेकार की पुरानी बातें। इसलिए संगठित हो जाओ, समीर की जहाँ तक बात है इसकी चिंता करो ना, काम करने करेगा तो भाई मैं उनमें से हूँ, मैं हाथ पीछे कभी नहीं खींचती अपने आदमी से। और संघर्ष का रास्ता हमारा है आगे का, संघर्ष हमने करना है, हर एक जीवन में संघर्ष है, राजनीति में संघर्ष है, काम धंधा करो उसमें संघर्ष है, मजदूरी करो उसमें संघर्ष है, गृहस्थी के अंदर संघर्ष है। तो संघर्ष तो जीवन का नाम है, संघर्ष से नहीं घबराना, कभी घबराना, ईमानदारी के साथ अपना काम करना है, भगवान का नाम लेके करना है, ये सोच के करना है कि हमने अपना कर्म करना है, समझ रहे हो? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है, ये सब आना है जाना है, कौन पैदा कहाँ हुआ है, किसके पास क्या है, ना कुछ लेकर आए थे, खुले हाथ आए थे और खुले हाथ जाना है। तो किस बात का जो है लोभ करना, किस बात का लालच करना, अपना कर्म करो और बाकी फल प्रभु के ऊपर छोड़ दो। तो यही मैं आपको कहने आई हूँ, सारे के सारे आप लोग मिलकर काम करो, सारे हमारे यहाँ पे ऐसी समाज के मेरे बहुत तगड़े सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, खड़े बैठा है सामने मुकेश बैठा हुआ है, सारे के सारे हैं पूरे के पूरे, आपस में खींचातानी मत करो, सारे मिलजुल के चलो, मिलके चलोगे, मुट्ठी बंद रखोगे तो ताकत आपकी होगी, मुट्ठी अगर खुल गई तो कोई बाहर का आएगा आपका इस्तेमाल करके और फिर निकलता फिरेगा, सही बात है नहीं? तो अपना प्रोग्राम करो और अपना कुनबा बढ़ाओ, आगे बढ़ते चलो। और मुझे तो मालूम नहीं था ये दुष्यंत तू ऐसे चुपचाप बैठा रहता था घर में, तेरे को ये पहले ही कर लेना चाहिए था काम। हाँ ये मेरे घर में काम करता है बच्चा इतने सालों से, घर का परिवार का हमारा सदस्य है, तो मुझे तो ये समाज का इतना ज़्यादा पता नहीं था, ये समीर ने आके मुझे समझाया कि क्या होता है, सच्चाई है ये, नहीं तो मुझे इन चीज़ों की थोड़ा सा कम इल्म है, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे को बड़ा पाला पोसा हमारे माँ बाप ने इस तरह से कि भाई सबको बराबर हाँकना है, बराबर सबका करना है और सबको इज्जत की नज़र से देखना है। तो उसी पच्चीनों के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी ने हमारे को चलाया और हम भी आज वहीं चल रहे हैं। श्रुति चौधरी अगले आने वाले एक साल के अंदर अंदर अब इलेक्शन शुरू होने वाला है, अगले साल के इस महीने तक इलेक्शन हो लेगा, तो भाई हाथ मजबूत करो, मेरा हाथ मजबूत करोगे तभी तो मैं चंडीगढ़ की कुर्सी तुम्हारे मैं पकड़ के लाऊंगी। तो ये एमपी की सीट मेरे को आप दे दो, श्रुति चौधरी को दे दो, वो आपकी सेवा करेगी और मैं तो भाई जब तक इस सन के अंदर मेरे दम है मैं अपने लोगों के लिए समर्पित हूँ, भिवानी के लिए, दादरी के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए,
जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं सबके लिए आपके लिए मैं समर्पित हूँ, काम करने के लिए आई हूँ और जितना मेरे से हो सकता है उसमें मैंने आपकी कसर नहीं छोड़ी। सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और समीर जी, जो ये आप यात्रा निकालना चाहते हो, ये यात्रा जो है बैठ के इस पर बातचीत करेंगे किस तरह से आपका मन है, क्या करना है, उसमें किस तरह से सारे लोग जुड़ के चलें। हाँ, तेरे को खुली छूट दे देंगे, तू चिंता ना कर। जब अगले ने इतनी खुली बात कह दी तो भाई खुली बात मैं भी कह दूँ, मेरे को भी क्या फिर इस बात का संकोच है, ठीक है ना। हाँ, मेरे को लोग ऐसे ही पसंद आते हैं जो समर्पित होकर काम करें, क्योंकि हमने किसी का कुछ लेना देना नहीं, हमने काम करना है, लोगों के काम करना है। और जहाँ पर लोगों की सुविधा हो, तो जिस तरह से ये जो इन्होंने, ये जो सरकार ने बहुत सारी ऐसे काम निकाले हैं ना, ये चाहे सरचार्ज हो बिजली का, चाहे ये PPP हो, चाहे ये फैमिली आईडी हो, और ये फला हो दिखड़ा हो, भाई पहली कलम से ये सारा ख़त्म करेंगे, ये मेरा वायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।